बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसकी वजह से धमतरी के गरियाबंद उड़ीसा को जोड़ने वाली सड़क पर पानी का तेज बहाव आ रहा है, जिसमें कई लोग घंटों फंसकर पानी के बहाव के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश की वजह से लोगों को घंटों सड़क पार करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी के तेज बहाव में सड़क पार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग बाइक को कंधों पर लादकर सड़क पार कर रहे हैं, तो कुछ युवा बुजुर्ग को अपने कंधों पर लादकर पानी के तेज बहाव को पार करा रहे हैं। उसके लिए तहसीलदार साहिबान लोगों को निर्देश जारी किया गया है कि ऐसा पार ना करें, है ना। उनके द्वारा गांवों में पटवारों के माध्यम से अपील भी किया जा रहा है, मुनादी कराकर अपील किया जा रहा है। अच्छा, बुला कहाँ पड़ता है? नैनपुर। अच्छा, तो ये मेन रपटा है? हाँ, मेन रपटा है, बांगनाला कहते हैं। अच्छा, बांगनाला बोलते हैं। हाँ। तो सुबह कितना बजे से बाढ़ा है? 5 बजे से। अब कब तक खाली हो जाएगी? 2-3 घंटे में खाली हो जाएगी। अच्छा, तो ये कहाँ जाता है रोड? ये रोड गौरगांव से सीधा रायगढ़ उड़ीसा। तो ये मेन परेशानी हर साल बारिश में इसे होता है क्या परेशानी? हर साल परेशानी होता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत होता है, जैसे बाढ़ आता है ना। हाँ हाँ। तो दिक्कत ही होता है। तो पुल के मांग के लेकिन नहीं हो पा रहा है? पुल मांग करते कब थक गया, बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये सड़क बोराई गरियाबंद मैनपुर ब्लॉक से होकर उड़ीसा को निकलती है, जो बारिश के दिनों में अक्सर टूट जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी लोगों को आसपास के गांवों में रुककर रात बितानी पड़ती है। लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इसी रास्ते से पानी के तेज बहाव को पार करते हैं। धमतरी से न्यूज के लिए भोजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।